शुक्र है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हिमाचल प्रदेश की सुध लेने तो आया। बीते दिनों हुई भारी बरसात से हिमाचल प्रदेश को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। ऐसे में चलो दो महीने बाद ही सही, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को समय तो मिला कि वे हिमाचल आई, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलवीर वर्मा ने शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बरसात कोई पहली बार ही नहीं हुई। 2019 में बहुत नुकसान हुआ था, 2010 में भी बहुत नुकसान हुआ था, 2010 में बागवानों के बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आप सब जानते हैं कि 2010 में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, जितना आंकलन करके इन्होंने यहां से नुकसान भेजा था उसका 7% सेंटर गवर्नमेंट ने दिया था, ओनली 7% सेंटर गवर्नमेंट ने दिया था। आज तक का सारा रिकॉर्ड निकाले आप, कभी भी 8-9% से ऊपर नुकसान सेंटर गवर्नमेंट ने प्रदेश गवर्नमेंट को नहीं दिया है। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी उस टाइम की भी मैं बात कर रहा हूं जो प्रदेश के अंदर थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, एडवांस में 800 करोड़ के करीब दे दिया उनको, और ऐसा नहीं है कि और भी पैसा ना है। और आपने ब्रिकी से इस बात को समझना, जब भी हिमाचल प्रदेश में बरसात आती है इसका सारा पैसा दिसंबर में मिलता था, आप सारा रिकॉर्ड निकाले। अभी तो एडवांस में दे रहे हैं इनको, और भी देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और भी देगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी बार बार होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, हमारे सेंटर के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी बार बार मिल रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी 10 बार उन्होंने दिल्ली के चक्कर लगा दिए, सभी मान्य मंत्री से मिल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आप इमीडिएट, इसका सिस्टम है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। आपने देखा होगा जब भी बरसात पड़ती थी दिल्ली से टीम आती थी, टीम को कम से कम टीम की रिपोर्ट पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता था। इस रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता को जो इस आपदा में पड़ी है। पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में नहीं दुनिया में कोरोना आया था। जयराम ठाकुर जी ने ये तो नहीं बोला किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये तो नहीं बोला किसी को पेंशन नहीं, वेलफेयर पेंशन भी दी, तनख्वाह भी दी, राशन भी दिया, दवाई भी दी, इलाज भी कराए, एक भी सड़क बंद नहीं होनी दी। बरसातें तो उस टाइम भी आई है, ये प्रदेश के उस टाइम ना GST मिल रहा था, उस टाइम ना वैट मिल रहा था, ना उस टाइम एक्साइज मिल रहा था, तीनों टैक्स के कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो मुखिया होता है प्रदेश का, उनका दायित्व तो है हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को कैसे वो निपटाए। ये रोना धोना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो मुखिया होता है उनका दायित्व तो है। जब 1000 करोड़ तनख्वाह के लिए ले रहे हैं, क्या बागवानों किसानों के लिए 1000 करोड़ लोन नहीं ले सकते हो? वो सारी आपदा सारी खत्म हो जाएगी। हमारी ये विनती है प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ऐसी आपदा कोरोना काल में भी थी, एक आदमी हिमाचल प्रदेश का बताएं कि वेलफेयर की पेंशन जिसको नहीं दी होगी। और जयराम ठाकुर जी ने आते ही सरकार में 80 से 70 साल कर दी थी, जिसमें 3 लाख आदमी को पेंशन एक्स्ट्रा पड़ी थी, पर एक आदमी ऐसा बताए जिसको पेंशन नहीं मिली। हर महीने पेंशन भी मिलती थी, वेलफेयर की पेंशन मिलती थी, इंप्लॉयज़ को सैलरी मिलती थी, इंप्लॉयज़ को पेंशन मिलती थी, राशन सबको मिलता था, दवाइयाँ सबको मिलती थी, सारी व्यवस्था। उस टाइम भी बरसातें गिरी, ऐसा नहीं बरसात में हिमाचल प्रदेश में इस बार ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर हर बार ही नुकसान होता था। पर कोई भी सड़कें ऐसे टाइम में भी उन्होंने बंद नहीं होने दी, उस टाइम भी बागवान सेव होते थे, उस टाइम भी सेव हुए हैं, कोई भी सड़कें बंद नहीं होने दी। जयराम ठाकुर जी ने दिन रात मेहनत करके प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दी। ये प्रदेश के मुखिया का दायित्व है कि ऐसे टाइम में कोई बहानाबाजी ना लगाए। जो भी आपके पास सोर्स है, सोर्स अपने अवेलेबल नहीं है, जब आप दूसरी चीज़ों के लिए मतलब पदाधिकारियों के लिए आप इतनी सीटें दे सकते हैं, उनके लिए इतने लोन ले सकते हैं, तो किसान और बागवान के लिए भी एक लोन ले लेते तो सारी तकलीफें दूर हो जानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।